Hi students, very good morning to everybody. In the previous video of trigonometry, हमने trigonometry के basic concepts के बारे में बताया था, जैसे angles के two units होते हैं, radian और degree, and how to convert radian to degree or degree to radian. So I discussed about that things in the previous video. और 10th के कुछ basic identities के बारे में भी हमने बताया था. तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11, दैट इज द क्वाड्रेंट सिस्टम. ये क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको बहुत जगह हेल्प भी करेगा. ओके, इस क्वाड्रेंट सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है. जैसे देखिए, दिस इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ये बोर्ड का प्लेन है. इस बोर्ड के प्लेन को हम लोग डिवाइड करते हैं बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट को समझते हैं. व्हाट इज क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन. ओके, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस बोर्ड के प्लेन को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है? फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. इस चार इक्वल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस या द बोर्ड, द प्लेन ऑफ द बोर्ड, द प्लेन ऑफ बोर्ड इज डिवाइडेड इंटू, इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट. फोर इक्वल पार्ट, चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. फोर इक्वल पार्ट्स बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, by x-axis and y-axis. x-axis और y-axis बोर्ड के प्लेन को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. each equal part is called quadrant. This plane of the board is divided into four equal parts. Each equal part को क्या बोलते हैं? Quadrant बोलते हैं. ओके, क्वाड्रेंट का हम लोग नाम दे देते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट. सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट. This is the third quadrant. This is the third quadrant. And this is the fourth quadrant. Okay? Fourth quadrant. Each equal part is called the quadrant. This is the first quadrant, second quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट. और हमने बताया था इन द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस लेक्चर, कि एंगल्स का मेजरमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सपोज इस क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सपोज वी मेंशन इट 0 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा को मेजर करते हैं, इफ थीटा इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा की वैल्यू क्या लिया जाता है? पॉजिटिव. थीटा को हम लोग पॉजिटिव मेंशन करते हैं. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम थीटा को मेजर करेंगे तो यहां से लेके यहां तक कितना एंगल होगा? 90 डिग्री. दिस इज द 90 डिग्री,
एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में टोटल एंगल्स कितने बनेंगे? 360 डिग्री बनता है। तो ये क्वाड्रेंट को जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन समझना जरूरी है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द एंगल इन ईच क्वाड्रेंट। ओके, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा की जो वैल्यू होगा वो किसके किसके बीच लाई करेगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑब्वियसली 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से स्मॉलर होना चाहिए। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा की वैल्यू लाई बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट वाइज करके, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्वाड्रेंट आ जाइए। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू है, देखिए 90 से लेके 180, दिस इज द 180 डिग्री। यहां से लेके यहां का ये टोटल एंगल्स कितना बनेगा? 180 डिग्री। ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 90 से 180 के बीच में होगा। तो यहां का आप लिख सकते हैं इन सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा लाइज बिटवीन, थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। इसको आप इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 90 से ज्यादा अगर होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। 90 से ज्यादा और 180 से कम, अगर 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है, इट मीन्स वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा? 90 से 180 के बीच में होगा। इसी चीज को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। नाउ कम टू थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच होगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 में 90 ऐड कर दीजिए, 180 प्लस 90 कितना होगा? 270 डिग्री। ओके, दिस इज द 270 डिग्री। और 270 में 90 फर्दर ऐड करेंगे कितना होगा? 360 डिग्री। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में कब आएंगे? जब 180 को क्रॉस करेंगे, जब 180 को क्रॉस करेंगे तब आ जाएंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच होगा? 270 से कम होना चाहिए, 270 से कम और 180 से ज्यादा। 180 से ज्यादा मतलब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180 एंड थीटा की वैल्यू लेस देन 270। ओके, तो थीटा की वैल्यू अगर 180 और 270 के बीच में है तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में रहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। ओके, इसी चीज को आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इन द थर्ड क्वाड्रेंट थीटा लाइज बिटवीन 180 टू 270 डिग्री। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू किसके किसके बीच होगा? 270 को जब क्रॉस करेंगे, 270 को क्रॉस करेंगे और 360 से कम होना चाहिए, 270 से ज्यादा और 360 से कम, देन वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच होगा? 270 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए।
इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं इसको, कि इन इच क्वाड्रेंट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द एंगल्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू किसके किसके बीच होगा, 0 से 90 डिग्री। इफ वी मूव फ्रॉम 0 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, मतलब 90 से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को यानी थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 डिग्री है उस केस में थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। थीटा इज एक्यूट एंगल। इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट या थीटा लाइज इन द 0 90 डिग्री देन थीटा इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। थीटा को हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। और थीटा की वैल्यू अगर 90 और 180 के बीच में है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा को क्या बोलेंगे, थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये आपको याद रखना है, ये आप जानते भी हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है दिस इज द एक्यूट एंगल। थीटा अगर 90 से 180 के बीच में है तो थीटा को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू किसके बीच होना चाहिए, 270 से 360 के बीच में होना चाहिए। इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं इन द फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा लाइज बिटवीन 270 to 360 डिग्री। ओके, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगल इन इच क्वाड्रेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने हेडिंग दिया था साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इन इच क्वाड्रेंट एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने बताया आपको। अब प्रत्येक क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक, इसका वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू है निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट पे भी डिपेंड करेगा। ओके, तो हम लोग आइए समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन इच क्वाड्रेंट। ओके, मान लीजिए हमने एक सर्कल कंप्लीट किया, एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, लेट द पॉइंट पी, ठीक है, इस ओ को पी से ज्वाइन कर लिया, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करते हैं, लेट दिस इज एक्स दिस इज वाई, ऑब्वियसली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई, लेट दिस डिस्टेंस बी स्मॉल आर, ऑब्वियसली ये ओ पी एम दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्वियसली ये ओपी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑब्वियसली आर की वैल्यू यहां से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखिए ये जो एक्स है ओ एम, ओ एम की वैल्यू एक्स, ओ एम इक्वल टू एक्स, लेट दिस एंगल बी थीटा, ओ एम अगर एक्स है तो एक्स को मेजर किया गया है इन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पी एम, पी एम इक्वल टू वाई, ये अबव द एक्स एक्सिस है, इसलिए इस केस में वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा,
तो यहां से अगर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू का निकालना हो तो साइन थीटा की वैल्यू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज वाई बाय आर। देखिए वाई भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव हो रहा है। उसी तरह से साइन अलावा कॉस भी निकालते हैं, तो कॉस की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर। एक्स और आर पॉजिटिव है, इसलिए कॉस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक, कोई भी वैल्यू आप निकाल लो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये पॉइंट पी है तो यहां से हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आप पॉइंट वाइज भी इसको लिख सकते हैं, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। I have just explained this in the first quadrant. Second quadrant में आ जाइए, in the second quadrant, in second quadrant. आपको ये सब याद रखना है, second quadrant में दो trigonometric ratio ही positive होता है, कौन कौन सा, sin theta and sin theta का उल्टा क्या होगा, cosec theta, cosec theta r पॉजिटिव, कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, एंड रेस्ट आर नेगेटिव। रेस्ट आर नेगेटिव, बाकी नेगेटिव होगा, बाकी नेगेटिव का मतलब टैन कॉट टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड टैन कॉट सेक एंड ये सब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, आर नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव। ओके, सिर्फ आपको पॉजिटिव के बारे में ध्यान रखना है कि कौन कौन सा पॉजिटिव हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा एंड साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होगा और बाकी क्या होगा, निगेटिव होगा। इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में दो चीज पॉजिटिव होता है, टैन थीटा एंड टैन का उल्टा कॉट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, इसी को आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इसको आप पॉइंट वाइज भी लिखिए, इन द थर्ड क्वाड्रेंट टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर निगेटिव, रेस्ट निगेटिव हो जाएगा, सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा एंड रेस्ट आर निगेटिव, रेस्ट निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू, जैसे थीटा की वैल्यू अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर हम लोग पॉइंट पी को सेकेंड क्वाड्रेंट में लाते हैं तो इस तरह से कुछ होगा, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, इस केस में ये मान लीजिए थीटा है, तो अकॉर्डिंगली ये एक्स की वैल्यू निगेटिव साइड मेजर करना है, ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और दिस इज द हाइपोटेन्यूज आर, तो
आर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज अबव द एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स पर मेजर किया गया है ओरिजिन के लेफ्ट साइड, इसलिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस केस में देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप आते हैं कॉस थीटा पर, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, एक्स अपॉन आर, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर, आर तो पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है लेकिन एक्स देखिए एक्स को निगेटिव साइड मेजर किया गया है, एक्स निगेटिव हो गया इस केस में तो दोनों का रेशियो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, इसीलिए हमने लिखा है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव है, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस थीटा यहाँ से क्या हो रहा है, निगेटिव, क्योंकि ये रेशियो निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिए इन द थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होगा, रेस्ट आर निगेटिव, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड कॉस का उल्टा सेक थीटा ही पॉजिटिव होगा एंड रेस्ट आर निगेटिव, रेस्ट निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट वैल्यू लिख सकते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट वन ले कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर निगेटिव, एंड रेस्ट आर निगेटिव। ओके, तो सिर्फ किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव हो रहा है वो आपको याद रखना है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होगा, निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होगा और रेस्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होगा और रेस्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वाड्रेंट्स पे डिपेंड कर रहा है और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव वैल्यू देगा और निगेटिव वैल्यू देगा। ओके, तो आई होप ऑल स्टूडेंट्स गेटिंग दिस कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी को अगर हमको ट्रिक्स के फॉर्म में याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग एक ट्रिक देते हैं याद रखने के लिए, ट्रिक्स टू रिमेम्बर, ट्रिक्स टू रिमेम्बर। देखिए एक क्वोटेशन, एक क्वोटेशन याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये ट्रिक्स है। देखिए ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए एस फॉर क्या होता है, साइन, एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉस है, ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर टू टी में टी ले लीजिए, टी फॉर टेन, टेन पॉजिटिव है तो टेन का उल्टा कॉट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दिस इज फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सी, सी फॉर क्या होगा, कॉस, कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये ट्रिक्स, ये क्वोटेशन आपको याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ओके, और भी क्वोटेशन है याद रखने के लिए, एड शुगर टू कॉक, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, जो आपको सुटेबल याद रखिए, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग
या एड sugar to coffee. A for all, S for sign, T for ten, C for cause. ओके, तो ये पोजिशन आप दिमाग में रखिए. ये सारे पॉजिटिव के लिए है. ऑल पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन और कॉसेक पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, टैन और कॉट पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड कॉस और सेक पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो जैसे जैसे हम लोग लॉट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बेसिस पे हम लोग वी आर गोइंग जस्ट गोइंग टू डू ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीजिएगा उतना आपके माइंड में सेट हो जाएगा. तो आपको ये सब अपने यू हैव टू कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड फॉर एवर. ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में, किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा और क्वाड्रेंट में एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखिए, इफ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ है और थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच लाई कर रहा है 90 से 180 डिग्री के बीच, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. थीटा की वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है, तो हम लोगों को समझना है कि थीटा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है. ओके, तो थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड वी नो दैट इन एवरी क्वाड्रेंट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो चेंज करता है, साइन चेंज करता है. ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करेगा इन एवरी क्वाड्रेंट. तो अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ है, दैट इज नेगेटिव है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि कॉस की वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई नेगेटिव वैल्यू इज गिवन. ओके, सो यू हैव टू फाइंड अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब साइन कॉसेक टैन कॉट, यू हैव टू फाइंड. तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, तो वी हैव टू अप्लाई दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. देखिए, कॉस थीटा किससे रिलेटेड है, साइन थीटा से. वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पुट कीजिए माइनस हाफ टू दी पावर टू इक्वल टू वन. दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. ये प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस वन बाय टू का स्क्वायर क्या होगा, प्लस वन बाय फोर इक्वल टू वन. दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस वन बाय फोर, दैट इज फोर माइनस वन अपॉन फोर, थ्री बाय फोर. तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो गया, थ्री बाय फोर. अगर इधर स्क्वायर हटाते हैं, इफ वी रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम साइन थीटा, देन इस साइड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ थ्री बाय फोर विथ प्लस माइनस साइन. जब भी स्क्वायर हटाएंगे दूसरे साइड हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस होगा और स्क्वायर रूट होगा, देन प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन फोर का स्क्वायर रूट टू होता है. ओके, तो साइन थीटा का यहां से देखिए कितना वैल्यू मिला, वी हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, प्लस रूट थ्री बाय टू माइनस रूट थ्री बाय टू. ओके, लेकिन विच वैल्यू विल बी टेकन, साइन थीटा का दो वैल्यू तो मिला, लेकिन इसमें से कौन सा वैल्यू हम लोग लेंगे, विच वैल्यू टू बी सिलेक्टेड, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट.
That's why quadrant is given. So theta lies in the second quadrant. So second quadrant में cos negative हो रहा है, तो second quadrant में मुझे पता है कि sin theta क्या होता है, पॉजिटिव. जस्ट हमने बताया अभी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव. साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो साइन थीटा का पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे यहाँ पर. देखिए यहाँ पर साइन थीटा का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, कितना लेंगे, प्लस रूट थ्री बाय टू. तो साइन थीटा का ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया. अब साइन थीटा मिल गया, तो साइन थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, वन बाय साइन थीटा. दिस इंप्लाइज रूट थ्री बाय टू, दैट इज टू बाय रूट थ्री. तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा के वैल्यू भी मुझे मिल गया, और कॉसेक थीटा भी क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है. नाउ कम टू टेन थीटा. देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. जस्ट यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करना है. तो साइन थीटा की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला रूट थ्री बाय टू, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाय टू. यहां से आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस रूट थ्री. देखिए इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है टेन थीटा क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए टेन थीटा का निगेटिव वैल्यू ही आया है. तो टेन थीटा का निगेटिव वैल्यू इस तरह से हमने निकाल लिया, और टेन थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा. तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, वन बाय टेन थीटा. दिस इंप्लाइज माइनस वन बाय रूट थ्री. तो टेन थीटा अगर माइनस रूट थ्री है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितना होगा, माइनस वन बाय रूट थ्री. इस तरह से अब देखिए कॉस थीटा अगर माइनस हाफ है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर माइनस हाफ है, कॉस थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्या हो जाएगा, सेक थीटा. सेक थीटा इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा. दिस इंप्लाइज माइनस टू. ओके, इन दिस वे वी हैव फाउंड रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉसेक टैन कॉट और सेक. ये पांच हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए, और सबका साइन भी देख रहे हैं. टैन थीटा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव होता है, और थीटा भी निगेटिव होता है. कॉस थीटा भी निगेटिव है, तो सेक थीटा भी क्या है, निगेटिव है. सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव है. तो इस तरह से इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ टैन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री, टैन थीटा की वैल्यू कितना है, माइनस वन बाय रूट थ्री है, और थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है. सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है. दैट्स व्हाई निगेटिव वैल्यू इज गिवन. तो वी हैव टू फाइंड रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना. हाउ टू सॉल्व इट, देखिए टैन थीटा किससे रिलेटेड है, टैन और सेक में हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. सो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा.
तो tan थीटा की वैल्यू गिवन है, इसको लिख सकते हैं tan थीटा होल स्क्वायर। ओके, वन प्लस tan थीटा की वैल्यू कितना है, माइनस वन बाय रूट थ्री होल स्क्वायर, वन प्लस वन बाय थ्री, दिस इंप्लाइज फोर बाय थ्री। तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 बाय थ्री, यहां से स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाएंगे कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 बाय थ्री, दैट इज प्लस माइनस 2 बाय रूट थ्री। अब थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा लाइज इन, सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इफ यू आर द बिगिनर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको इन दिस वे यू हैव टू राइट, इस तरीके से आपको लिखना है, सो दैट ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर। सिंस थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा की वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेक थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, तो सेक थीटा निगेटिव है, तो सेक थीटा का निगेटिव वैल्यू यहां से लेंगे, इतना लेंगे माइनस टू बाय रूट थ्री। सेक थीटा निगेटिव है, कॉस थीटा भी निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर कॉस थीटा जस्ट सेक थीटा का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाय टू हो जाएगा। ओके, देखिए टैन थीटा अगर मिल गया तो टैन थीटा से सेक थीटा मिल गया, कॉस थीटा भी मिल गया, अगर टैन थीटा की वैल्यू माइनस वन बाय रूट थ्री है तो टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, माइनस रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट भी निगेटिव होता है, इस तरह से हमने तीन वैल्यूज फाइंड कर लिया, नाउ यू हैव टू फाइंड साइन थीटा। देखिए अगर कॉस थीटा पता है तो कॉस थीटा और साइन थीटा में रिलेशन पता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, माइनस रूट थ्री बाय टू, इसका होल स्क्वायर। ओके, वन माइनस ये हो जाएगा थ्री अपॉन फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, माइनस का स्क्वायर प्लस, टू का स्क्वायर फोर। ओके, बाय टेकिंग एलसीएम फोर माइनस थ्री, वन बाय फोर। यहां से आप देख रहे हैं साइन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो गया, वन बाय फोर। तो जब साइन स्क्वायर थीटा वन बाय फोर है तो साइन थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू होगा प्लस माइनस वन बाय रूट टू, प्लस माइनस वन बाय रूट टू। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस वन बाय रूट टू हो जाएगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यहां लिख सकते हैं इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज पॉजिटिव, और कॉसेक साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होगा, कॉसेक थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, साइन थीटा का पॉजिटिव वैल्यू क्या है, वन बाय टू है, तो वन बाय टू ले लीजिए, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू टू, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर लिया, तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये आपको याद रखना है, ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू फाइंड रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ टेन एक्स की वैल्यू दिया है -4/3, अगर टेन एक्स की वैल्यू -4/3 गिवन है और x x मीन्स एंगल लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, यू हैव टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसमें देखिए cot x और sec x, इसका वैल्यू ही मुझे निकालना है। तो tan x गिवन है, तो tan x की वैल्यू अगर -4/3 है, तो tan x की वैल्यू अगर -4/3 है तो cot x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, क्योंकि cot x tan x का क्या है, रेसिप्रोकल होता है। cot x की वैल्यू -3/4। नाउ यू हैव टू फाइंड sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इज रिलेटेड टू tan स्क्वायर x। यू नो दैट sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + tan² x। ओके, इफ tan स्क्वायर x कैन बी रिटेन एज, tan स्क्वायर x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ tan x इन प्लेस ऑफ tan x -4/3, वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ tan x, ओके, 1 + दिस इंप्लाइज 16/9। बाय टेकिंग LCM वी आर गेटिंग 16 + 9, दैट इज 25। तो sec स्क्वायर x की वैल्यू, sec स्क्वायर x की वैल्यू हाउ मच वैल्यू वी हैव गॉट, sec स्क्वायर x इक्वल टू 25/9। sec स्क्वायर x का कितना वैल्यू मिला, 25/9 मिला। ओके, sec स्क्वायर x भी मिल गया, cot x भी मिल गया। नाउ कम टू दिस एक्सप्रेशन, इसमें पुट कीजिए 9 sec स्क्वायर x -4 cot x, इसका वैल्यू पुट कीजिए 9 sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की वैल्यू कितना होगा, 25/9 -4 × और cot x की वैल्यू -3/4, cot x की वैल्यू -3/4, 9 कैंसिल, 4 कैंसिल, 25 ये -3, दैट इज 28। इन दिस वे वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज किया और ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके, तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ऑल स्टूडेंट्स गॉट दिस कंसेप्ट एंड गॉट द सॉल्यूशंस। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट आपका कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।